2024 में ये हो क्या रहा है, सचिन तेंदुलकर को मुनव्वर फारूकी ने आउट कर दिया। हाँ, वही बिग बॉस वाला मुनव्वर फारूकी और कट्टर दुश्मन माने जाने वाले एल्विश और मुनव्वर एक साथ हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं और गले तक मिल रहे हैं। और तो और, मुनव्वर एल्विश की गेंद पर छक्के उड़ा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी सपना नहीं देख रही हूँ, ये सब सच है। इन सभी घटनाओं का पूरा वास्तविकता से लेना देना है और इन सभी घटनाओं की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हेलो, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। एक एक करके आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुनव्वर ने क्रिकेट मैच में महान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, ये सच है। दरअसल इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL के प्रदर्शनी मैच में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर एक बार फिर से बल्ला थामे नजर आए। उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली और उन्हें आउट किया किसने, बिग बॉस के विजेता मुनव्वर फारूकी ने। इस ऐतिहासिक क्रिकेट मैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझे यकीन है कि आउट करने के बाद मुनव्वर को खुद यकीन नहीं हुआ होगा कि उनसे क्या हो गया, कैसे हुआ। शायद इसी को कहते हैं अच्छा वक्त चलना। वैसे आपको बता दूं कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के पहले सीजन की 6 मार्च को मुंबई में ओपनिंग सेरेमनी हुई, जिसमें अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार समेत कई नामचीन हस्तियां शिरकत की। टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले एक प्रदर्शनी मैच ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें सचिन तेंदुलकर की मास्टर 11 का सामना अक्षय कुमार की खिलाड़ी 11 से हुआ। सचिन के फैंस को ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, वो मुनव्वर की बॉल पर बेशक आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अक्षय कुमार की बॉल पर शानदार सिक्स भी लगाए। अब आते हैं करण अर्जुन पर, यानी एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी पर। अब मैं इन्हें करण अर्जुन क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैदान पर ये दोनों ऐसे गले लग रहे थे जैसे बरसों पुराने बिछड़े भाई हो। ये भूल गए क्या कि इंटरनेट पर ये दोनों किस तरह एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो कुत्ते बिल्लियों के जैसे लड़ते हैं। बहरहाल, मुनव्वर फारूकी के सितारे इन दिनों चमक रहे हैं। उन्होंने एल्विश यादव की बॉल पर ही छक्का जड़ दिया। दोनों अलग अलग टीम में खेल रहे थे। जिन्हें नहीं पता, उन्हें दोनों के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताते हैं। दरअसल एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी के बीच तब ठन गई थी जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग डोभाल उर्फ UK07 राइडर रियलिटी शो बिग बॉस 17 में थे। एल्विश ने अनुराग को जिताने के लिए उनका सपोर्ट किया था। शो खत्म होने के बाद भी एल्विश और मुनव्वर के बीच कोल्ड वॉर छिड़ी रही। दोनों ने इशारों में एक दूसरे पर खूब ताने मारे। अनुराग ने भी मुनव्वर पर खूब निशाना साधा था। बिग बॉस 17 खत्म होने के बाद उन पर खूब टिप्पणियां भी की थी और एल्विश संग अपनी दोस्ती दिखाई थी। तब से एल्विश यादव ने आए दिन उन पर तंज कसे। इतना ही नहीं, मुनव्वर अपनी जीत के बाद इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और उन्होंने फैन से करीब 10 मिनट तक बातचीत भी की थी। इसके बाद एल्विश यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर अपनी एक फोटो शेयर किया और उन्होंने लिखा, कोई लाइव आया है क्या। हालांकि एल्विश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका ये जो तंज था, ये सीधा सीधे मुनव्वर फारूकी पर ही था। हालांकि अब एल्विश और मुनव्वर की दोस्ती से अनुराग की जो ब्रो सेना थी, शायद वो सदमे में होगी। अब ऐसा लग रहा है कि एल्विश ने ही अपना पाला बदल दिया है। बहरहाल, मैदान पर हुई इस मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाए और कई देर तक बात भी की। इस वीडियो पर दोनों के यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि दोनों के बीच दोस्ती हो गई है, तो कुछ नाराज है। एक यूजर ने लिखा, किंग मुनव्वर फारूकी फिर से ट्रॉफी ले आना। तो दूसरे ने लिखा, सिस्टम के आगे झुक कर रहना होगा। एक और यूजर ने लिखा, फैंस को एक दूसरे के साथ लड़वा कर दोनों आराम से बातें कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, लो अब लगता है इनका भी कोलैब हो गया है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या आए दिन इन्फ्लुएंसर्स की जो ये सोशल मीडिया पर लड़ाई होती है वो फेक होती है या कभी कभी जेन्युइन भी हो जाती है, या यूं कहे कि सबसे बड़ा है रुपया? जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में।